आज के इस डिस्कशन क्लास की शुरुआत, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो मैं रोटेशन वाला काम वहां से शुरू करूं या सीपीपी से स्टार्ट करूं। बताओ कहां से करना चाह रहे हैं? सीपीपी करना है, पहले सीपीपी कर दीजिए। सीपीपी नंबर 23, मैं अगर इसकी बात करूं, डाउट्स बोलिए इसमें, सीपीपी नंबर 23 में डाउट्स। सेकंड बोल रहे हो क्या? यस सर। कैपेसिटर कनेक्टेड विद द बैटरी इज कैप्ट इन अ बॉक्स। एक बैटरी से कनेक्ट करके जब भी आप कैपेसिटर को रखते हो तो एक प्लेट पे क्यू चार्ज आता है और दूसरे पे माइनस क्यू, पता है ना हमें? यस सर। जब भी बैटरी से कनेक्ट करोगे, एक पे क्यू आएगा दूसरे पे माइनस क्यू, और आपने इसको, इस कैपेसिटर को एक डब्बे में रख दिया और अब उसमें से फ्लक्स पूछा है, तो आप गॉस थ्योरम लगाएं। गॉस थ्योरम क्या कहती है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन कितना है, क्यू टोटल कितना है यहाँ? गॉस थ्योरम ये नहीं कहती कि क्यू का मतलब चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर लेना, वो एक अलग पैरामीटर है। गॉस थ्योरम तो ये कहती कि अंदर अलग अलग कितना चार्ज है उन सबका एल्जेब्रिक सम कर दो, तो एक तो क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो ये आपका हो गया जीरो। हाँ जी ठीक है, सेकंड हो गया। और बताओ इसमें और कौन सा डाउट है? इलेवंथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट, अच्छा मैं एक बार ये बना दूं डायग्राम, 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यहां है, 3 और 4 के आगे बने हुए हैं, 3 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड ये यहां बने हुए हैं, और लास्ट में 2 माइक्रोफेराड का एक अलग से अटैच है। दो माइक्रोफेराड का ये अलग से अटैच है और ये कहता है कि चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ दिस, इधर लेफ्ट प्लेट पे -20 माइक्रोकूलम है, तो चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफेराड यहां कितना होगा, यहां ये बताना है। इसका मतलब देखो ये क्या हुआ है, कोई बैटरी लगी होगी, ये इधर -20 है, इधर -20 होने का मतलब है कि इधर से चार्ज निकला है, अगर इधर से चार्ज निकला है तो बैटरी ऐसे लगी होगी। क्या ये बात समझ आ गई है क्या यहां तक? हाँ भाई बताओ समझ आ रहा है ना? ये बैटरी ने इतना चार्ज घुमा दिया होगा, इतना चार्ज, तो अगर इसमें पूछा होता कि इस 2 माइक्रोफेराड की राइट प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो आंसर होता +20 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोफेराड की लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो आंसर होता -20 माइक्रोकूलम। कि यहां तक समझ आ गया है पूरा? yes, sir. तो अब तो आगे तो आप कर लोगे, इसको डिवाइड ही तो करना है, देखो। yes, sir, हाँ कर लोगे ना अब तो? yes, sir. और पैरेलल में डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है कि इनवर्स रेशियो में चार्ज? डायरेक्ट में होता है, तो 3/4 में कर लेना, 3/7। और इधर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, जिस प्लेट पे पूछा गया है? पॉजिटिव, तो हो ही जाएगा 11। और बताओ इस सीपीपी में कोई जो भी डाउट हो, नंबर 23 के हो गए सारे या किसी का और कोई डाउट है इसमें? 12th क्वेश्चन नंबर 12th, देखिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिटवीन ए एंड बी। अच्छा मैं फिर दोबारा से एक बार ये अरेंजमेंट बनाऊं, ये आपको सी दिया हुआ है, यहां ये आपको सी दिया हुआ है,
यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर है, इसको सी ही नाम दे रखा है इन्होंने, कैपेसिटेंस वैल्यू। एक यहाँ पे है सी, ये सीधी वायर है, और एक यहाँ पे सी है, और ये आपका निकला है बी। और आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। आप टर्मिनल वाली नेमिंग स्टार्ट कीजिए, ये ए यहां तक पहुंचा और ये बी यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया और यहां भी आ गया। ठीक है, एक बच रहे हैं अलग से, मान लो मैंने इसको नाम दिया डी, इनको मैं कोई अलग से नाम नहीं दे रहा क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में। देखो अगर ए और बी के बीच में पूछा है ना, तो इसका मतलब एक बैटरी लगा के देख लिया करो, कभी वो टर्मिनल ही ना गायब हो जाए। मान लो मैंने ये बैटरी जोड़ दी, अब मेरे को सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो मेरे कितने टर्मिनल बने टोटल, टोटल कितने टर्मिनल्स बने, तीन, ए बी और डी तीन ही तो बने। तो मैंने एक साइड ए कर लिया, एक साइड बी कर लिया और बीच में डी कर लिया। अब मैं पहले बी और डी के बीच में देख लो, बी और डी के बीच में दो सी हैं, लेकिन सीरीज में, सी और सी का सीरीज में क्या होगा, सी और सी का सीरीज में क्या होगा, सी बाई टू। ठीक है, बी और डी के बीच में एक और है ये सी, इसी के साथ बी और डी के बीच में एक और सी आ गया। ठीक है, ये दो हो गए, ये हो गया, ये किस किस के बीच में, ये वाला सी ए और डी, ए और डी के बीच में ये सी है, और ये किस किस के बीच में है, ए एंड बी। अब बताओ क्या आप सीरीज पैरेलल नजर आ रहा है आपको सीधा सीधा, अब कर देना पहले दोनों ऐड कर देना पैरेलल में, फिर उसका इसके साथ सीरीज में सी वन सी टू करके, और लास्ट में उसमें सी ऐड कर देना, हो जाएगा आपका, है ना। सीपीपी 23 में और कोई समस्या किसी की, हाँ भाई हो गया सभी का, चलो ठीक है 24 पे चलो ना मैं। अब तो बताओ 24 में डाउट्स बताइए, सीपीपी नंबर 24 उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होते हैं, पहले पेज पे बताओ कौन सा पूछना है, सेकंड वाला, मतलब 14th क्वेश्चन। देखो आज मैंने आज मॉर्निंग क्लास में एक आर वाला एक रिजल्ट बताया था, आर अगर सी के साथ आए तो सी ओपन हो जाता है स्टेडी स्टेट में, समझ नहीं आया, क्लास खत्म हो गई। एक बार मैं फिर बताता हूँ आपको रिजल्ट, आरसी सर्किट तो हम पढ़ेंगे जब रेजिस्टेंस पढ़ चुके होंगे उसके बाद, लेकिन हम एक चीज ये दिमाग में रखें कि किसी भी सर्किट में ये कोई बैटरी लगा रखी है आपने 20 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है, बैटरी लगा रखी है आपने 20 वोल्ट की, किसी भी सर्किट में ये अगर ऐसा अरेंजमेंट बनता है, डीसी सप्लाई है, एसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं स्टेडी स्टेट पे जाऊं, मतलब एक दो मिली सेकेंड के बाद या एक सेकेंड, मतलब बहुत ही छोटा सा समय है ये, तो सी जो है वो ओपन की तरह बिहेव करता है, मतलब ये कि आर का कोई मतलब नहीं है और ये कैपेसिटर ओपन होके रह जाएगा इस तरह से। अगर इस आर का कोई मतलब ही नहीं है तो इसका ये मीनिंग था कि ये सारी वोल्टेज यहां के रुक जाएगी, ओपन रह जाएगा, मतलब ओपन होने का मतलब ये है कि ये करंट नहीं आने देगा, और इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब करंट और एंड टर्म रेजिस्टेंस के साथ जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, और वैसे आप टेंथ में भी पढ़ के आए हो, अगर रेजिस्टेंस में करंट जीरो है तो उसके पास पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है, वी बराबर आई आर पढ़ा है ना हम सभी ने, है ना, तो यहां जीरो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां जीरो होगा तो ये जितनी वोल्टेज है सारी यहां आके रुक जाएगी। ये एक आरसी सर्किट का रेजिस्टेंस से करंट कम होता है,
बिल्कुल जीरो। अरे ओपन ही हो गया, वायर ही यू लगा लो कनेक्ट ही नहीं है और स्टेडी स्टेट पे बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो करंट कितना होगा इसमें पूरी ब्रांच में? करंट तभी हो पाएगा जब ये लूप पूरा हो, अभी ये लूप ही पूरा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज इस चैप्टर के लिए अभी ये याद रखो, बाद में आरसी सर्किट के हम उस स्टेट पे भी जाएंगे कि जीरो होने से पहले क्या होता है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम ये याद रखें कि स्टेडी स्टेट पे ये जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है तो इसका मतलब जितनी रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज जीरो, जो आपने अप्लाई कर रखी है सारी वोल्टेज कहां आ गई है कैपेसिटेंस के पास। ये अगर लिखना है तो लिख लो, ये अगर लिखना है तो लिख लो कि स्टेडी स्टेट पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर तो जीरो हो जाएगी एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूरी वी हो जाएगी। ये लिखना है तो लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है 14th है वो स्टार्ट करता हूं। चले अब इसको यूज करें। देखिए अब ये चीज हम क्वेश्चन नंबर 14th में यूज करें। पहले मैं इसका सर्किट बनाता हूं। ऊपर एक ऐसा सर्किट दे रखा है 6C एंड ये भी 6C है, यहां लगा है 3C, ये सीधा जुड़ा है, ये आपका पॉइंट है बी, फिर ये नीचे जुड़ा है सी, यहां बीच में कैपेसिटर लगा है सी, ये आपका है 2C, ये भी यहां पे 2C और नीचे एक 10 वोल्ट की बैटरी है, इस तरह से दिखा रखी है, भी बैटरी है, दो सेल जुड़े हुए हैं और यहां कोई रेजिस्टेंस दिखा रखा है 20 ओम का, ये है। इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड दैट पॉइंट बी, ये आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो भाई सबसे पहले आप ऊपर क्या बना उसको थोड़ा छोटा करो ताकि हम वहां तक पहुंच तो पाए पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्या होगा। सबसे पहली बात, स्टेडी स्टेट में क्या, ये इसको देखो आप, ऊपर पूरा एक सी इक्विवेलेंट है, इसकी जगह मान लो एक सी इक्विवेलेंट है कोई भी एक, तो स्टेडी स्टेट में कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो रजिस्टर के पास वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? अभी पढ़ाया था बताओ, जीरो। यानी कि सारी की सारी 10 वोल्ट इन दो पॉइंट्स के बीच में पहुंच जानी है। ये पॉइंट तो आपका ए ही है, वो बी वहां लिख रखा है, मैं इस पॉइंट को डी बोल देता हूं। इसका मतलब एट स्टेडी स्टेट VA-VD, एट स्टेडी स्टेट VA-VD कितना हो जाना है? 10 वोल्ट। स्टेडी स्टेट पे VA-VD जो है वो आपका 10 वोल्ट हो जाना है। ये बात समझ आ गई है कि यहां तक बताओ? ठीक है, अब बस इसको छोटा करो। ये बताओ भी ये दोनों किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। तो मैं इन दो को मिटा के इसकी जगह कितना लगाऊं बताओ, 6C और 6C की जगह 3 आधा हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की जगह एक लगा दिया और ये बन गया 3C। उधर भी देखो वो 2C और 2C किस में है, सीरीज में, दिख गया ना? सीरीज। तो ये 2C और 2C का कितना हो जाएगा,
सी, मेरे लिए नीचे वाला भी बस इतने काम का है कि वो मुझे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ये प्लस ये माइनस, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट। बताओ सर्किट थोड़ा छोटा हुआ, और छोटा होगा अभी, और छोटा होगा। ये ए और बी के बीच में है, और ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए और बी के बीच में, तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 3C और 3C का पैरेलल में कितना हो जाएगा? 6C। 3C और 3C का पैरेलल में ये आपका बन गया 6C, A और B के बीच में 6C। सिमिलरली उधर देखो, ये भी B और D, ये भी B और D, तो B और D, B और D कितना हो गया आप दोनों बताओ? अरे कितना हो गया, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? 2C हो गया, ये हमारा बन गया 2C। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बना, अगर मैं इसको जिस तरह से मैं छोटा करके लाया हूं उस सर्किट को दोबारा बनाऊं, तो मुझे ये सर्किट मिल रहा है कि मैं एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं, एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं, इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, उस पॉइंट को डी बोल रहा हूं, ए और डी के बीच में सीधा जुड़ा हुआ है सी, और दो ऊपर जुड़े हुए हैं सीरीज में, एक जुड़ा है 6C और एक जुड़ा है 2C, और इनके बीच का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल है B। क्या अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन आता है? कि आगे बताओ भाई, इसके पास तो 10 वोल्ट है, इन दोनों के पास भी तो 10 ही वोल्ट है, A और D के पास, तो ये 10 वोल्ट सीरीज में बटेगा, तो बताओ डायरेक्ट रेशियो में कि इनवर्स रेशियो में? हाँ जी, डायरेक्ट की इनवर्स, इनवर्स, यानी कि मैं अगर उस V1 बाई V2 की बात करूं तो इनवर्स रेशियो बनेगा 2/6, मतलब 1/3। पूरा है 10 वोल्ट, उसके चार हिस्से करने हैं, 10/3 प्लस 1/3, 2.5 वोल्ट। एक हिस्सा इसको दीजिए और तीन हिस्से इसको दीजिए, तो V1 तो आया 2.5 वोल्ट और V2 आया 7.5 वोल्ट। तो मुझे ये पता लग गया कि यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस है 2.5 वोल्ट और यहां है 7.5 वोल्ट। अब किस किस के बीच में पूछ रखा है सवाल में, किधर पूछा है क्वेश्चन में? A एंड B, तो A एंड B के बीच में ये रहा, तो कितना है A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? 2.5। अगर B और D पूछा होता तो हमारा आंसर आ जाता 7.5। समझ आ गया? चलो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा इसमें वो आरसी सर्किट का एक पार्ट यूज हुआ था, तो मैंने आज सुबह वाली क्लास में बताया भी था, नहीं तो अभी दोबारा से वो यूज हो गया। अगला बताओ, ये आपने सेकंड पूछा, इसके बाद बताओ। 13 हो गया आपसे, 14 आपने करवा लिया डिस्कस, आगे बोलिए। 17। इससे पहले इस पेज पे दो सवाल हो रहे हैं, 15 और 16, इनमें किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या सभी से 16 हो गया? 16 पूछ रहे थे, 17 नहीं। अच्छा 16 पूछ रहे हैं, ठीक है। 16 किसी बच्चे से हुआ क्या क्लास में, ये बताओ आप? यस सर, मेरा हो गया। ध्यान है कि ये क्या बना है, सीरीज पैरेलल की व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बना है इसमें? ये तो दोबारा बना के देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। जब भी ऐसे सवाल हो ना, उनके साइड में थोड़ा सा लिख दिया करो, जैसे इसमें बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो वहां पे आप लिख दिया करो कि यहाँ कैसे हुआ है, ताकि कभी डिस्कशन में भी दिक्कत ना आए। देखिए मैं एक बार ये सर्किट बनाता हूँ, इक्विवेलेंट आपको निकालना है ए और बी के बीच में, दिस इज योर ए, ये पहला 23 माइक्रो फेराड है, 23 माइक्रो फेराड, इससे आगे ये है 7 माइक्रो फेराड। मैंने आपका रिजल्ट अभी शेयर किया था आपके ग्रुप पे, आपने देख लिया वो रिजल्ट कल आया था? आपके पास
पहुंच गया था कि नहीं वो रिजल्ट में, तो ये पूछ रहा हूँ। पहुंच गया। कौन से ग्रुप में? आप वाले ग्रुप में था? तो कौन से ग्रुप में सर है? क्या अभी तो आया है रिजल्ट, वही कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, तो मैंने अभी रिजल्ट भेजा था, वैसे वो कल आ चुका था। क्या आप लोगों को मिल चुका था क्या रिजल्ट पिछले? आज ही मिला, आज ही मिला, अभी मिला है सर। हाँ तो उसमें देखना, मैं भी अभी देख ही रहा था, मैंने जिले सर से ही मंगवाया था अभी रिजल्ट। कंपैरेटिवली ठीक आपकी, आपके सेक्शन की परफॉर्मेंस एक बार आप नजर डालना, हम तो और तो क्या कंपेरिजन ही कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फिजिक्स में ठीक ठाक परफॉर्म कर रखा है, इसका मतलब अगली बार आप और अच्छा करोगे, क्योंकि पिछला तो कंबाइंड टेस्ट था, अगले में आप और भी अच्छा करने जा रहे हो। एक बार देखना जरूर आप अपने, कम से कम अपने सेक्शन से तो कंपेयर करके देखा करो हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। आपका पेपर टू ज्यादा अच्छा हुआ था क्या? यस सर। पेपर टू में आपके सेक्शन से तीन बच्चे हैं जो कोई लिमिट थी, पता नहीं कितने नंबर वो आपने क्रॉस कर रखे हैं, और आप बाकी दोनों से ऊपर हो, बाकी दोनों सेक्शन से पेपर टू में। एक बार नजर डालना उस कंपैरिजन पे। एक बार ये देखो डायग्राम बना दिया मैंने, कितने के बेस्ट रहे, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये आपका डायग्राम है। आपको केवल सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो भाई कुछ नहीं करना, टर्मिनल्स के नाम दो, और कोई डायरेक्ट दिख जाए सीरीज में उनको छेड़ो मत, कोई डायरेक्ट दिख जाए पैरेलल में उनको अलग से नाम मत दो। देखो ये ए है, तो ये टर्मिनल ए चलेगा, ये ए चलेगा, ये ए चलेगा, ये ए चलेगा। ये बी है तो ये भी बी, हमने नेमिंग सीख रखी है ना कभी, व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानने वाला काम, ठीक है। और आगे बढ़ो, मान लो मैंने इसको नाम एक्स दे दिया, सी में इसलिए निरा सी कैपेसिटेंसी होते हैं, तो ये एक्स चलेगा, ये यहां भी एक्स, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। मान लो इधर वाले को नाम वाई दे दिया, ये भी वाई बना, ये भी वाई बना, ये भी वाई बना, ये भी वाई बना और ये भी वाई। भाई कितने टर्मिनल आ गए ये बताओ, कितने टर्मिनल आए हैं टोटल? चार ही आए हैं ना, चार आते ही चांसेस बनते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, चाहे कैपेसिटर पांच से ज्यादा है। हमने तो वहां पढ़ा था दो दो तीन तीन, उसमें पांच होते थे, कोई बात नहीं, इसमें कुछ छोटे हो जाएंगे। ए और बी को रखो एक साइड में, ए और बी को रखो एक साइड में, और एक्स और वाई को रखो ऊपर नीचे। हम कोशिश करेंगे कि ये उस फॉर्म में आए, और बैलेंस होगा कि नहीं वो पता लग जाएगा हमें। हम इस तरह से इसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ए और एक्स के बीच में देखो कौन कौन है, ए और एक्स के बीच में भाई एक तो ये है और एक ये है, क्या दोनों दिख रहे हैं क्या आपको ए और एक्स के बीच में? तो दोनों सीरीज में हुए कि पैरेलल में बताओ? ये दोनों सीरीज में हुए कि पैरेलल में? अरे जल्दी जल्दी बोलो, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? बोलो भाई, ए और एक्स, ए और एक्स ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल में है तो कितना होगा ए और एक्स के बीच में इकट्ठा? 35 माइक्रोफेराड, दो हो गए भाई, ठीक है। अब चलो ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में ये एक है, एक ही दिख रहा है, 10, लो जी ये 10 लगाया हमने। अब चलो बी और एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में भी एक ही नजर आ रहा है, 7, तो बी और एक्स के बीच में मैंने एक लगाया 7। अब चलो बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में कितने नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ 2 आ जाएगा, एक और एक 2, तो बी और वाई के बीच में 2, ये 2, ये भी हो गया। एक और बच गया, कौन सा? ये वाला, ये किस किस के बीच में? ये एक्स और वाई के बीच में, तो ये 13। आप बताओ क्या एक बार टर्मिनल के नाम देती है WSB की तरह दिख गया आपको, है ना भाई? अब अगला काम, क्या ये बैलेंस्ड है? कैसे देखा करते थे?
पहली बात, या ये वाला स्टेप समझ आ गया सभी को, सभी बच्चों को? ठीक है, अब देखो क्या ये बैलेंस है, क्या प्रोडक्ट इक्वल है, है ना? 35 गुना दो 70, 10 गुना 7 70, तो दिस इज बैलेंस WSB, बैलेंस है। तो ये रिमूव करो, ये रिमूव करते ही ऊपर दो सीरीज में 35 और 7, नीचे दो सीरीज में 10 और 2, अब तो कर दोगे आप, यहां सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां सीरीज वाला और फिर वो पैरेलल वाला एडिशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कभी आए तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, हम सर्किट थ्योरी में ये चीजें सीख रहे होंगे धीरे धीरे आगे, अभी हम मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट पे ज्यादा हैं, सर्किट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम सीखेंगे कि अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी कैसे सोल्व करना है। चलो भाई आगे बोलो, ये इस साइड के पेज के तो हो गए 16 तक, 17 जो क्वेश्चन है मुझे लगता है मैंने करवा रखा आपको पहले, एक्स्ट्रा चार्ज क्यों दिया, या डाउट है इसमें? हो गया ना वो तो, ठीक है। 18th बताओ, जो AIEEE 2005, जैसे आजकल जेई मेन्स है उस तरह से पहले AIEEE नाम हुआ करता था, AIEEE 2005 में ये पेपर में आया था, 18th हो गया आप सभी से, अल्टरनेट वाला वो नहीं हुआ? देखो क्वेश्चन नंबर 18, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटली, 1, 2, 3 इक्वल स्पेसिंग है, 4 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, और ऐसी ऐसी n प्लेट्स हैं, ये n, ये n माइनस 1 इस तरह से हैं, ये आपको अरेंजमेंट दिया, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, कनेक्टेड अल्टरनेटली। कनेक्टेड अल्टरनेटली का मतलब है वन किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, 2 किससे जुड़ा हुआ है, 4 से। समझ गए हो क्या? हाँ भाई बताओ, क्या ये बात समझ आ गई, क्या दे रखा है इन्होंने? Yes, इसका मतलब ये है कि अगर ये टर्मिनल एक्स है तो 1 भी एक्स है, 3 भी एक्स है, और ये लास्ट वाला ये तक एक्स जाएगा, और अगर ये टर्मिनल वाई है तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, और लास्ट वाला वाई जाना है आपका, ये दो दो अलग होने ही होने, क्योंकि नहीं तो अगर यही सेम हो गए तब तो शॉर्ट ही हो गया, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक्स और वाई के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। पहले तो ये बताओ डायग्राम आ गया समझ? ठीक है, इस पहले कैपेसिटेंस को मैं कह रहा हूं सी वन, 1 to 2 C1, 2 to 3 C2, 3 to 4 C3, तो n माइनस 1 टू n क्या हो जाएगा, C n-1। ठीक है, और इन सबकी वैल्यूज C दे रखी है, C1 C2 ये सारे n-1 सारे C है, क्योंकि इक्वल स्पेसिंग है, ये भी x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में, ये भी x और y के बीच में, तो सारे सीरीज में है कि पैरेलल में बताओ? पैरेलल में ये सारे के सारे आपके पैरेलल में बनेंगे, और कितने कैपेसिटर बनेंगे पैरेलल में? ये C1, ये C2, ये CN-1, तो जो C इक्विवेलेंट बनेगा C1 प्लस C2, क्योंकि सारे पैरेलल में बन गए CN-1, और सबकी वैल्यू C है, तो C plus C plus CN-1 टाइम्स, यानी कि आ गया N-1 × C। आ गया समझ? ओहो, गर्मी की वजह से आपका बीच में, जस्ट अ मिनट, चलिए यहां तक हमारा डिस्कशन हो पाया है, ये जो भी AIEEE वाला क्वेश्चन था, अभी मीटिंग बीच में ब्रेक हो गई है, ये लगा लो,
थे कुछ 5-7 मिनट और, तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस हो गए, कुछ और बचे हैं तो इसको हम बाद में लेके चलते हैं, क्योंकि बीच में आपकी मीटिंग ऑफ हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग, तो ड्यू टू ओवर ईटिंग ऐसा हुआ है यहाँ पे, इसमें लिखा आ रहा था, बट ठीक है हम आगे फिर कल कंटिन्यू करते हैं।